अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज की जो वीडियो है वो यूट्यूब से ही रिलेटेड है। ये स्पेशली उन यूट्यूबर्स के लिए जो जिन्होंने न्यू चैनल अपना स्टार्ट किए हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखें और कोई भी स्टेप स्किप ना करें ताकि आपको फुल वीडियो अच्छे से समझ आए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिस किसी मेंबर ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली न्यू वीडियो अब तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने गूगल पे यूट्यूब स्टूडियो आप लोगों ने लिखना है और इसको सर्च करना है, ठीक है? ये YouTube स्टूडियो लिखा गया, अब हम इसे सर्च करने लगे। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी वेबसाइट्स हमारी YouTube स्टूडियो से रिलेटेड ओपन हो गई है। ये नीचे भी काफ़ी ज़्यादा है, बट आप लोगों ने नीचे कोई और वेबसाइट को ओपन नहीं करना। जो फर्स्ट वेबसाइट है हम लोग उसे ही ओपन करेंगे, हम लोगों ने कोई और वेबसाइट पे क्लिक नहीं करना। ये हम लोग ने क्लिक किया और इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि ये मेरा ओल्ड चैनल है जिस पे मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। साइड पे आपको छोटे छोटे से आइकन नज़र आ रहे हैं। नीचे आप जाएंगे तो डॉलर के साइन पे मोनेटाइजेशन का आइकन है। ये डॉलर के साइन पे आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोगों ने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मोनेटाइजेशन का पेज हमारे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पे आप लोग अपने सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम इजीली आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, मेरे 84 सब्सक्राइबर थे तब और वॉच टाइम कुछ भी नहीं था क्योंकि मैंने कुछ अपलोड नहीं किया था। नीचे ब्लू कलर की लाइन में लिखा हुआ है नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल, मीन्स जब आपका ये टास्क मोनेटाइजेशन टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे खुद ब खुद अप्लाई का बटन आ जाएगा, ठीक है? इससे पहले आपको शो नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने YouTube से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है अपने Instagram का, आप वहाँ पे इजीली YouTube से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।